हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी वर्ल्ड स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर सेकंड प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली का पार्ट वन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, इसका आंसर देखिए। सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मूला बनना है। कौन सा फॉर्मूला? कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 13π/6। तो सिंपल से इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13π/6, 13π/6, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू है, टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10 7π/6, इसका आंसर देखिए। इसमें भी एक फॉर्मूला बनना है, कौन सा? टेन इनवर्स ब्रैकेट में 10x इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 7π/6। सिंपल सा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7π/6, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू 10 inverse 2/24/7 के हमें क्या करना है? बराबर सिद्ध करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड आर एस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखिए, सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, तो 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू थीटा। ये क्या माना हमने? माना 2 sin inverse 3/5 इज इक्वल टू क्या है? थीटा। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 sin inverse x फॉर्मूला बनना है। तो सबसे पहले 2 sin inverse x, एक फॉर्मूला क्या होता है? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x/√1 − x2। क्या होता है? साइन इनवर्स 2x/√1 − x2, ये फॉर्मूला है। इसके अनुसार हम सब लेफ्ट हैंड साइड कॉल करेंगे, तो फॉर्मूले के अनुसार लगा देंगे साइन इनवर्स 2x, x कितना हमारा? 3/5 √1 − 3/5 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखिए, साइन इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6/5 √1 − 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9, 5 का 25। साइन इनवर्स 6/5, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 16/25। साइन इनवर्स 6/5 मल्टीप्लाई 16 का वर्ग कितना होता है? 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 4 4 जा 16, और 25 किसका हो गया? वर्ग 5 का, तो रूट हट गया। सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन इनवर्स 4 6 जा 24, 5 5 जा 25। साइन इनवर्स 24/25। अब ये हमें वैल्यू क्या है? साइन में दी, पहले ये वैल्यू हमें साइन में दे के रखी है, हमें टेन में चेंज करनी है। तो सबसे पहले एक ट्रिक होती है, देखिए लाल बट्टे कक्का क्या होता है? एक सिंपल सी ट्रिक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन मतलब लंब बट्टे कर्ण, कॉस मतलब आधा बट्टे कर्ण, टेन मतलब लंब बट्टे आधा, कॉस मतलब कॉट मतलब आधा बट्टे लंब, सेक मतलब कर्ण बट्टे आधा, और कोसेक मतलब कर्ण बट्टे लंब। तो सबसे पहले साइन दिया है, तो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। यहाँ पे हमने एक त्रिभुज की स्थापना की, एक त्रिभुज की रचना करी जिसमें लंब कितना है? 24 और कर्ण कितना है? 25। हमें आधार निकालना है, आधार हम मान लेते हैं एक्स है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के अनुसार। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस के 24 का होल स्क्वायर। x
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर कितना हो गया 625 माइनस 24 का होल स्क्वायर कितना हो गया 576। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 49। यहाँ से बार घटाएंगे यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7, कितनी आ गई 7, यानी हमें आधा कितना मिल गया 7। अब टेन इनवर्स, टेन के लिए हम क्या चाहिए, साइन कॉस टेन लंब बटे आधा, लंब क्या है हमारा 24, आधा कितना आ गया 7, और ये हमारी राइट हैंड साइड है, क्या है राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में कई बार बोलना कि सबसे एंड में हम इति सिद्धम लिखते हैं, इति सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10/7/36 के सिद्ध कीजिए, बराबर सिद्ध करना है। एल एच साइड हमें राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करनी है। सबसे पहले इसका आंसर देखिए, इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, आपको लिखना होगा सबसे ऊपर ही कि हम कौन सी साइड ले रहे हैं, हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे एक फार्मूला बनना है, कौन सा फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 8/17 प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अनुसार हम इस क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। साइन इनवर्स एक्स कितना है हमारा 8/17 अंडर रूट 1 माइनस वाई कितना 3/5 का होल स्क्वायर प्लस वाई, वाई कितना हमारा 3/5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 8/17 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट 1 माइनस, ये सॉल्व करेंगे 3 का वर्ग कितना हो गया 9 और 5 का वर्ग 25 प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और 17 का वर्ग कितना होता है 289। इसे आगे करेंगे तो साइन इनवर्स 8/17 अंडर रूट कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 16/25 प्लस 3/5, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 225/289। साइन इनवर्स 8/17 मल्टीप्लाई 4 का वर्ग होता है 16, तो 4/5 कितना 25 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई 225 किसका होता है 15 का और 289 किसका होता है 17 का। इसे आगे करेंगे तो साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 84 जा 64 और 75 जा 85, 84 जा 32 होते हैं सॉरी, प्लस 15/3 जा 45 और 75 जा 85, ये 32 है। आगे देखिए साइन इनवर्स इसे सॉल्व करेंगे तो 85 क्या हमारा आ जाएगा एलसीएम 32 प्लस 45। साइन इनवर्स इनवर्स लेंगे कितना हो जाएगा 77/85। जैसे मैंने पिछले सवाल में साइन से 10 की वैल्यू निकाली थी, ऐसे इसी सवाल में भी हम साइन से 10 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले एक ट्रिक होती है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का क्या होता है ये आपको करना नहीं, कॉपी में सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक, साइन की वैल्यू कितनी होती है लंब बट्टे कर्ण, ये लंब दिया है और ये दिया है कर्ण। हम यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना करेंगे, ये आपको रफ वर्क में करना है, जिसमें लंब क्या है 77
और कर्ण क्या है 85। हमें आधा निकालना है, आधा मान लेते हैं हम क्या मान लेते हैं एक्स, आधा मान लेते हैं हम एक्स। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी 1226। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ से अंडर स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा और ये यहाँ पे एक्स का मान कितना आ जाएगा 36। कितना आ गया 36 एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने लगा दी, कितनी आ गया आधा, कितना आ गया 36। तो हम टेन में कैसे लिखेंगे टेन इनवर्स। अब ये बताओ लाल बट्टे का काम है टेन कहाँ, यही तो साइन कॉस टेन यही तो बेटा, लंब बट्टे आधा, लंब क्या है 77 और आधा क्या है हमारा 36। और ये हमारी राइट हैंड साइड है, हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और यहाँ इति सिद्धम, यही लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। ये हमें एल एच साइड आर एच साइड के बराबर सिद्ध करनी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड आर राइट राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करनी है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, जो भी साइड लो उसे यहाँ पर लिख दो। तो कॉस लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब एक फॉर्मूला बनना, कौन सा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x का होल स्क्वायर एंड 1 - y का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अनुसार इस सवाल को हम निकालेंगे, कॉस इनवर्स एक्स वाई क्या है हमारा 4/5, वाई कितना है 12/13, अंडर रूट 1 - 4/5 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 - 12/13 का होल स्क्वायर। कॉस इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 × 4 = 48 और 13 × 5 = 65। वन माइनस होल स्क्वायर टाएंगे तो 4 × 4 = 16/25, 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 - 12 का होता 1/44 और 13 का होता 1/69। कॉस इनवर्स 48/65 इसे सॉल्व करेंगे जहाँ पर कितना आएगा 9/25 मल्टीप्लाई 25/169। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगी, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस अंडर रूट में कितना बचेगा हमारा 9/169। इसे आई करेंगे कॉस इनवर्स 48/65 माइनस अंडर रूट में हम 9 के ऊपर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 169। किसका ऊपर होता है, ये होता है थर्टन का। इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स 65 जो आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 48 × 65 = 65 1 बार माइनस 3/13 से 5 बार जाएगा कॉस इनवर्स 48 × 48 और 5 = 15/65। कॉस इनवर्स 48 में से 15 गए 33/65।
और ये हमारी राइट हैंड साइड है। हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के तथा इति सिद्धम, इति सिद्धम लिखना ना भूलिए। पार्ट वन यहीं समाप्त होता है।